अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। और यही महंगाई है जो आप देख रहे हैं, जो बुलडोजर या जो जितने मामलात हो रहे हैं, इसको डाइवर्ट करने के लिए, इसी महंगाई को छिपाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही। जो अभी अजान और हनुमान चालीसा, ये सब प्रोपेगेंडा सिर्फ महंगाई को डाइवर्ट करने की। इंसानियत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। एक अगर मुस्लिम डॉक्टर है तो उस वक्त तो आप हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं, हिंदू डॉक्टर है तो आप तो उस टाइम नहीं देखते हैं कि हिंदू डॉक्टर नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है सतही चीज़ हैं, और मीडिया से मेरी गुजारिश है कि इन सारी चीज़ों को हिडन कर दीजिए, छिपा दीजिए, अच्छी चीज़ों को उजागर कीजिए जो समाज में लोगों के लिए। ये तो सर मुश्किल काम आपने कह दिया। छिपाना मतलब कि कोई गलत है उसको आप बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा मत लाइए, उसको क्रिटिसाइज करके उसको गलत करके ही देखा है। तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उम्मीदें थी अच्छे दिन के, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा, हर चीज़ महंगा, तेल महंगा, दही महंगा, गरीब आदमी के लिए बहुत। सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा रिजवी और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव 10 न्यूज़। आपका स्वागत है। आपको बता दें दोस्तों, ईद का ये वक्त चल रहा है और पूरी दुनिया में मुसलमानों का बड़ा ही पवित्र महीना रमज़ान चल रहा है। आपको बता दें आज 25 रमज़ान है और तमाम मुसलमान इसमें रोज़ा रखते हैं, फजर की अजान से लेके मगरिब की अजान तक बग़ैर कुछ खाए पिए अल्लाह की रज़ा के लिए वो रोज़ा रखते हैं। और इस वक्त हम सिवान के दिल में हैं। आपको बता दें, लफ्ज़ों को बदल के आपको बताएं, सिवान का दिल उसे कहा जाता है जहां हम खड़े हुए हैं। जी हां, थाना रोड है ये, और थाना रोड के पास एक ऐसी मार्केट है जिसे सिवान का दिल कहा जाता है। आपको बता दें, शहीद सराय मार्केट, यहां आम दिनों में लोगों की भीड़ बेहिसाब होती है, लेकिन जब समय रमज़ान का है और ईद के आने का इंतज़ार है तो ज़ाहिरी तौर पर लोग अपनी शॉपिंग के लिए पहुँचते हैं और पहुँचे भी हैं। 2 सालों के बाद इस तरह का मंजर, इस तरह का नज़ारा बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। वही हमने आपको बाज़ारों का भी हाल दिखाया है, और अभी भी आप ये देख सकते हैं। आप चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन से एक बार हमारे ठीक पीछे दिखाइएगा, इधर दिखाइए। तकरीबन COVID-19 के 2 साल के बाद ये रौनक बाज़ारों में दिखाई पड़ी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सनीफुद्दीन अहमद। ये सिवान का दिल इसे कहा जाता है, सिवान का शहीद सराय मार्केट, और 2 साल के बाद सर रौनक लौटी है बाज़ार में, क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे यही कि बहुत बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्रिया है कि रमज़ान के महीने में इतना अच्छा से यहाँ पे सब पब्लिक आ रहे हैं, लोग आके अपना शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे जी। और हमको भी खुशी हुआ है ऐसा रौनक देख के 2 साल के बाद, कोरोना काल में बंद। 2 साल सर बड़ा भयावह रहा, बड़ा है ना, बड़ा दिक्कत, बहुत दिक्कत था 2 साल, सबके लिए दिक्कत था, गरीबों के लिए भी और दुकानदारों के लिए भी। अभी तो माशाल्लाह मामला ठीक है, मामला ठीक है जी जी, है ना। लग रहा है कि देश में त्यौहार का ये मौसम चल रहा है। जी जी, त्यौहार का मौसम। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? कमरे आलम। क्या कुछ कहेंगे सर, रमज़ान का बड़ा पवित्र महीना चल रहा है और बाजार में 2 सालों के बाद रौनक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रौनक, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, है ना। लॉकडाउन के बाद यही बाजार थोड़ा मजा आया था। मौजूदा सर देश के ऊपर अगर बात करें तो क्या कुछ कंडीशन आप कुछ बताना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उम्मीदें थी अच्छे दिन के, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा, हर चीज़ महंगा, तेल महंगा, दही महंगा, गरीब आदमी के लिए बहुत खाना पीना दिक्कत। तो बिल्कुल सबका यही कहना है दोस्तों कि अब हम लोग अपने पुराने दिन से उभर चुके हैं, लेकिन सही मायनों में अभी भी महंगाई से गरीब जो है वो लड़ रहे हैं। कुछ दुकानदार भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दुर्गा है। 2 साल के बाद सर बाजारों में इस तरह की रौनक रमज़ान के मौके पे, ईद के मौके पे दिखाई पड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे? ना तो ठीक है, चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं, आ रहे हैं। पहले जैसा बिक्री नहीं है, पहले जैसा नहीं है। तो इसका कारण क्या मानते हैं आप? ये तो कारण यही महंगाई है। सरकार देश का कैसा काम कर रही है, सब ठीक चल रहा है? सरकार प्रधानमंत्री जी का कैसा चल रहा है? जो कर रहे हैं ठीक है, कर रहा है ठीक है, महंगाई कर रहे हैं ठीक है। महंगाई, महंगाई के पीछे कौन दौड़ता है? तेल महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा, काहे महंगा हो गया ये हम तोरे बताएंगे। चलिए बहरहाल, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? संजय प्रसाद। सर 2 साल के बाद बाजारों में रौनक है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा मंजर 2 साल नहीं देखने को मिला। इस बार तो रौनक है, रौनक है, बाजार में उतना ऐसी नहीं है, लेकिन लोग परेशान है सर, कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई इतना ना है कि हर एक चीज महंगा हुआ है।
कारण मानते क्या है सर आप? अब कारण क्या बताया जाए, ऊपर से सब महंगाई है, सरकार की कमी, सरकार की कमी है। तो देख सकते हैं दोस्तों मामला, अब ये सिवान का दिल है और आप देखें बाजारों का हाल। इस साइड अगर आप देखना चाहें ना तो इस साइड भी देखिएगा, बाजारों में चहल पहल है, बाजारों में रौनक है। सर क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार प्रसाद। 2 साल के बाद सर बाजार में ऐसी भीड़ दिखाई पड़ रही है रमजान के टाइम में, ईद के मौके पर, कैसा क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। देश कैसा चल रहा है सर? देश में तो नफरत के बाजार गर्म है, नफरत के बाजार गर्म, महंगाई तो बढ़ रही है डे बाई डे, बड़ा दिक्कत है ना। यहाँ देखिए प्लाजा में हम लोग चलते हैं और अशरफ भाई अभी हमें दिखाई दिए, हम अंदर चलते हैं और जरा अशरफ भाई से भी बात करने की कोशिश करेंगे मौजूदा हालात पे भी। और कहीं ना कहीं मौसम ठीक ठाक है और रमज़ान का ये वक्त है और लोग जो है अपनी शॉपिंग के लिए बाज़ारों में निकले हुए हैं और आम दिनों में इस एरिया में जिस जगह पर हम लोग हैं वहाँ भीड़ भाड़ होती है, तो ये तो खैर ईद का टाइम है और रमज़ान का दिन चल रहा है। हमारे साथ अशरफ साहब भी दिख गए हैं तो मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे सर, इस तरह का मंजर 2 साल के बाद देखने को हमें मिला? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब बाजारों में रौनक है 2 साल बाद कोरोना के बाद से, माशाल्लाह बहुत शानदार लग रहा है जी। कहीं ना कहीं सर आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी जितने लोगों ने हमने अभी बात किया है, लोगों का बस यही कहना है कि महंगाई का रोना है उनको, तो आप क्या कुछ कहेंगे सर मौजूदा कंडीशन देश की क्या कुछ है अभी? जी जी, महंगाई तो खैर बहुत ज़्यादा है, एकदम आसमान सर चढ़ के बोल रहा है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर महंगाई कम रहती, नॉर्मल रहता, तो शायद जो आप भीड़ देख रहे हैं इसकी 2-3 गुनी 4 गुनी भीड़ होती, लेकिन लोगों के पास अभी कोरोना के चलते पैसा भी नहीं है और इतना ज़्यादा सारी चीज़ों की कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और यही महंगाई है जो आप देख रहे हैं, जो बुलडोजर या जो जितने मामलात हो रहे हैं इसको डाइवर्ट करने के लिए, इसी महंगाई को छिपाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। फिर भी लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर ठीक चल रहा है, मान लीजिए अतिक्रमण है तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही, लोगों का ऐसा कहना है? नहीं नहीं, बुलडोजर चलाना तो कोर्ट का काम होता है सर, गवर्नमेंट इसके मतलब जो सरकार वो ऑर्डर नहीं कर सकती है, ये टोटली गलत है, आप डिसीजन कोर्ट से लेकर आइए उसके बाद चलो। अभी इतना जल्दी जल्दी सर सब हो जा रहा है, एक हिंसा के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिली, उसके बाद फौरन एक्शन हो गया, चूँकि जस्टिफाई जो है कोर्ट करता है कि आप एक्यूज्ड हैं या नहीं हैं, तो अगर पहले ही आप FIR से अगर कोई एक्यूज्ड हो जाता है तो हम भी आपसे दुश्मनी हो, मैं आप पे FIR करके आपको एक्यूज बना सकता हूँ, लेकिन ये कोई इंसाफ का पैमाना नहीं है जी। तो रही महंगाई की बात, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि महंगाई पीक पर है, पीक पर और यहाँ से मैं आपके चैनल्स के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर से और मुख्यमंत्री से कि जहाँ तक हो सके गरीबों का ख्याल रखें, मध्यम वर्ग का ख्याल रखें, चूँकि मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा बिलोंगिंग हैं, उन वो ज़्यादा सफ़र करते हैं ज़्यादा। कहीं ना कहीं अशरफ साहब ऐसा लगता है आपको कि महंगाई और भी बहुत सारी चीज़ों पर बेरोज़गारी, इन्हें छुपाने के लिए बहुत सारे प्लान सरकार ने कर रखे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जी, जो अभी अजान और हनुमान चालीसा ये सब प्रोपेगेंडा सिर्फ महंगाई को डाइवर्ट करने के लिए, और कुछ जो लीडर जो जिनको कोई नहीं जानता जैसे राज ठाकरे, वो एकदम ज़मीन में ख़त्म है, वो उसको मुंबई महाराष्ट्र में कोई नहीं लाइक करता है, तो अपने को ऊपर उठने के लिए BMC के इलेक्शन है, इसने एक सगुफा छोड़ा पूरे हिंदुस्तान में, अभी अजान और इतने सालों से अजान हो रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हम हनुमान चालीसा एक नया प्रोपेगेंडा लाया जा रहा है टोटली डाइवर्ट करने का है, और हिंदू मुसलमान के जो उनका जो मुद्दा है उसमें उलझा के अपना फ़ायदा उठाने का है जी। कहीं ना कहीं सर हिंदू मुस्लिम यानी ये कह लिया जाए नफरत के बाजार देश में गर्म है, सिवान से सर देश को क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा, क्योंकि आप भी लगातार देश में अमन चैन की आपने दुआ भी की है और आप प्रेम लगातार आपने बांटने की कोशिश की है। मैं यही यहाँ से गुजारिश करूँगा कि जो लोग भी किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इंसानियत है, इंसानियत को ऊपर वाला सबसे ज़्यादा पसंद करता, अगर ऐसा नहीं होता तो उसके जो नाम लेवा उसको भी देता है खाने के लिए, जो नहीं है उसको भी देता है, बिल्कुल। तो जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, राम जो पुरुषोत्तम राम है उनसे वो सीख लें, उन्होंने त्याग किया, सैक्रिफाइस किया, उसके बाद से उन्होंने जंगल में गए, अपना 14 साल वनवास की ज़िंदगी गुजारी, राजशासन सिंहासन छोड़ा, तो उनका अगर 10% भी कोई हिंदू धर्म के लोग अनुयायी जो है अगर एडॉप्ट कर लें, मुस्लिम अनुयायियों जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रोफेट उनका कर लें, तो यहाँ कोई लड़ाई कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कुछ भी नहीं है, सब भाईचारगी है और इंसानियत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है,
बिल्कुल। एक अगर मुस्लिम डॉक्टर है तो उस वक्त तो आप हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं, एक हिंदू डॉक्टर है तो आप तो उस टाइम नहीं देखते हैं कि हिंदू डॉक्टर नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है सतही चीज़ हैं, और मैं तो कहता हूँ कि जो जो दिमागी तौर से इन मतलब विकृत मैंटेलिटी के लोग हैं, तो डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। नहीं तो 95% लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं, 5% लोग ही करते हैं। और मीडिया से मेरी गुजारिश है कि इन सारी चीज़ों को हिडन कर दीजिए, छिपा दीजिए, अच्छी चीज़ों को उजागर कीजिए जो समाज में लोगों के लिए। ये तो सर मुश्किल काम आपने कह दिया। छिपाना मतलब कि कोई गलत है उसको आप बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा मत लाइए, उसको क्रिटिसाइज करके उसको गलत करके ही दिखाया जाए। मतलब कहीं ना कहीं सर चौथा स्तंभ फेल्योर माना जा रहा है, चूंकि मीडिया जो है आप देखिए रहे नतमस्तक है, नतमस्तक है, बिकाऊ लोग हैं। अब वो चीज़ नहीं है जो पहले थी, निष्पक्ष जांच और कुछ नहीं है, जिधर से मिल गया लिफाफा उधर ही के हो गए, यही मेन चीज़ है। चले सर, और कोई विशेष संदेश हो आपका? संदेश ये है कि अभी 5-6 दिन बाद से इंशाल्लाह ताला ईद होगा, तो अमन चैन शांति मोहब्बत इत्तेहाद के साथ आप नमाज़ पढ़ें, और हिंदू और अलग लोग जो हैं मेरे भाई हैं उनके साथ मिलके ईद मनाएं। और ये 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद से ऐसा मौका आया है, तो इस मौके को नहीं जाना दे हाथों से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।